इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ शानी सिंह और आप देख रहे हैं खास खबर। लेकिन आई सल्यूट ऑल यू ऑल द स्टूडेंट्स कि आप लड़ रहे हो। आपके इंस्टीट्यूट को खत्म करने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। आज पूरे देश के विश्वविद्यालयों में ऐसा हो गया है कि आरएसएस के लोगों को हर एक जगह बैठा दिया जा रहा है। अभी आप देखेंगे बिहार में हाल में घटना हुई थी जहां मोतिहारी में ठीक कुछ दिन बाद एक पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण है उस जगह भी घटना हुई थी कि प्रोफेसरों को किस तरीके से जलाने की कोशिश की गई, पीटने का प्रयास किया गया। दो दिन पहले एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक छात्रा को जो है झापड़ मारने का काम किया गया। आखिर हमारा देश कहां आगे जा रहा है, किस ओर जा रहा है, आखिर हु इज गोना टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर आप इनिशिएट नहीं करोगे तो कौन करेगा? और फिर से जुमलेबाजी आ जाएगी, फिर से मेन एजेंडा से आपका ध्यान भटकाया जाएगा। अब अच्छे दिन के अलावा पता नहीं आगे चल के, ताकि उनके तस्वीर को देखकर के एहसास हो कि लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, बाकी है और इस लड़ाई को हमको जीतना है। तो ये सारी चीजें और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप सब लोगों के साथ, क्योंकि ये जंतर मंतर के बाद मेरा जो है दूसरा एक कह सकते हैं दिल्ली में जो एक इंटरनेशनल आप कह सकते हैं या अपनी बातों को रखने का, हालांकि जो जंतर मंतर की जो हम लोगों ने जो मूवमेंट जो शुरू किया था बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो गए थे उनको इंसाफ दिलाने के लिए, दोषियों को सजा दिलाने के लिए, वो हालांकि हमने नॉन पॉलिटिकल रखा था, लेकिन आज जो नौजवानों का जो विषय है राजनीति, अब आप लोगों को तय करना है कि ऐसे लोगों को जिन्होंने युवाओं को ठगने का काम किया, छलने का काम किया, देश की आर्थिक स्थिति से लेकर के हमारे संविधान पे खतरा है, सब कुछ हो रहा है, लिंची कैसे वारदात आ रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है और सरकार में बैठे हुए लोग हिडनली इसको प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, तो आप लोग तय कीजिए कि आपके लिए, और अगर आप लोग राजनीति में भी आते हैं तो आप लोगों को तय करना है कि क्या बेहतर है देश के लिए, कौन से पार्टी के साथ जुड़े, किसकी विचारधारा को आप लोग लेकर चलना चाहते हैं। और मेरा जहां तक मानना है कि 2019 की जो लड़ाई है वो मंडल, अंबेडकर और गांधी वर्सेस गोडसे और गोवर्कर की है। अब देखना है कौन किसके बाद में कितनी ताकत है। अभी कह रहे थे कि मरते दम तक हम लोग कमंडल वाले लोगों को दबाने का काम करेंगे, मेरा मन है कि उनको खत्म ही कर देना चाहिए। बेचारे जो नागपुर में तिरंगा नहीं फहरा था वो लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का काम करेंगे। इस तरह के हालात हो गए हैं देश में जिसको हमको लेकर के आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। हम जब बिहार के उप मुख्यमंत्री थे तो उस समय रोहित बेमुल्ला का जो जिस तरह से उनको टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया और जो संघर्ष उन्होंने करने का काम किया, हम सड़क पर उतरे थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हमने उसी टाइम तय किया कि रोहित बेमुल्ला के साथ जो अन्याय हुआ वैसे कई लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और रोहित बेमुल्ला के साथ जो हुआ उनके दोषियों को सजा मिलना चाहिए, तब जाकर के जस्टिस होगा रोहित बेमुल्ला के लिए। लेकिन हमने ये पार्टी में उसमें फैसला किया। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।